अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। दोस्तों, सऊदी अरब में जो काम करते हैं, जो लोग भी चाहे उनका ताल्लुक इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो या किसी भी ऐसे मुल्क से हो कि जहां से डायरेक्ट फ्लाइट सऊदीया ने बंद कर दी थी, उनके लिए खुशखबरी ये है कि अब सऊदी अरब ने ऐलान किया है कि अब ऐसे तमाम ममालिक से सऊदी अरब के रेजिडेंट्स डायरेक्ट सऊदी अरब आ सकते हैं कि जहां से फ्लाइट्स बंद कर दी गई थी। शर्त यह है कि उन लोगों की वैक्सीनेशन सऊदी अरब में ही मुकम्मल हो गई हो, यानी कि अगर दो डोज वाली वैक्सीन है तो दोनों डोज सऊदी अरब में हुए हों, एक डोज वाली है तो वो भी उन्होंने सऊदी अरब में लिया हो। उसके बाद अब अगर वो अपने मुल्क में फंस गए हैं तो डायरेक्ट वो सऊदी अरब आ सकते हैं, तो एक बड़ी अच्छी खबर है। सऊदी अरब में जो भी दोस्त काम करते हैं अब, जो कि वाया कतर या दूसरे मुल्कों से होकर के आ रहे थे, अब उसकी जरूरत नहीं है, बल्कि वो एजेंट से राबता करें। तमाम एयरलाइंस को हिदायत दी जा चुकी हैं, अब वो अपनी टिकट्स बुक करें और डायरेक्ट सऊदी अरब रवाना हों। और वह ताहिर को अपनी दुआओं में याद रखें, अपने दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचाएं ताकि जो लोग परेशान हैं और भारी भारी रकम दे करके किसी और मुल्क से होकर के सऊदी अरब जा रहे हैं, तो ताकि उनके वो पैसे बच सकें और वो डायरेक्ट सऊदी अरब का सफर कर सकें। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। और ये ऐलान सऊदी अरब की वजारत दाखिला ने किया है और सऊदी अरब के लुबनान में सफीर हैं वलीद अल बुखारी, उन्होंने भी इसकी तस्दीक की है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपने दोस्तों तक वीडियो को फैलाइए, पेज को शेयर कीजिए और अगर YouTube पे आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। वह तारीख को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।